शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, 25 अप्रैल 2022 के एक महत्वपूर्ण आदेश का अवलोकन करते हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश प्रति जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश को लिखा गया है। विषय है प्रयास अभ्यास पुस्तिका को शाला में प्राप्त होने के अगले दिवस विद्यार्थियों को वितरण सुनिश्चित करने विषयक। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। आइए इस आदेश के मुख्य भाग का हम अवलोकन करते हैं। विषय अंतर्गत लेखे कि विगत सत्र के अनुसार प्रदेश की शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या अनुसार प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएं विगत सत्र के अनुसार कक्षा एक व दो हेतु, कक्षा तीन से पाँच हेतु तथा कक्षा छः से आठ हेतु तैयार की गई हैं। तो एक एक पुस्तक प्राप्त होंगी बच्चों को। इन अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यार्थियों को ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म अवकाश में कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाना है। उक्त संदर्भ में विकास खंडवार अभ्यास पुस्तिकाएं मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम के विभिन्न डिपो के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड को उपलब्ध कराई जा रही हैं। विकास खंड में प्राप्त होने के अगले दिवस ही अभ्यास पुस्तिकाओं शाला में भेजना सुनिश्चित किया जाना है। विकास खंड में सामग्री शालाओं तक भिजवाने की व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाए। यदि निगम के डिपो द्वारा अवकाश के दिवस में भी सामग्री विकास खंडों को उपलब्ध कराई जाती है, तो इसे प्राप्त करने हेतु अनिवार्यतः विकास खंड में व्यक्ति का दायित्व निर्धारण किया जाए। विकास खंड से शालाओं में उपलब्ध होने के अगले दिवस तक उक्त सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने का दायित्व प्रधान अध्यापक या प्रभारी का होगा। अवकाश की स्थिति में भी उक्त कार्य प्राथमिकता अनुसार किया जाना है। उक्त कार्य के परिवहन पर सत्र 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना में उपलब्ध बजट में से पाठ्य पुस्तक परिवहन मद में उपलब्ध 2% की राशि से व्यय किया जा सकेगा। व्यय की गणना प्रति पुस्तक 10 रुपये के मान से की जा सकेगी। साथियों, इस पे कैसे कार्य होना है हम इसे जानते हैं। प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं हेतु बच्चों को निर्देश देंगे ग्रीष्मावकाश में प्रतिदिन न्यूनतम एक पेज पर बच्चों द्वारा कार्य किया जाए। अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य करने हेतु वह अपने माता पिता, बड़े भाई बहन अथवा समुदाय के चयनित मेंटर से भी सहयोग ले सकते हैं। 15 जून के उपरांत शाला खुलने पर उक्त अभ्यास पुस्तिकाओं का परीक्षण शिक्षक द्वारा किया जाएगा। यदि बच्चे द्वारा अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करते हुए कोई त्रुटि की गई है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर शिक्षकों द्वारा अपेक्षित सुधार कार्य योजना तैयार कर सत्र आरंभ होने के 10 दिवस तक कार्य किया जाए। तो ये था एक महत्वपूर्ण आदेश। साथियों, जल्द ही हमारे विद्यालय के बच्चों को ग्रीष्म अवकाश में प्रयास पुस्तिका पे कार्य करने हेतु पुस्तिकाओं का वितरण होगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एमके एजुकेशन चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।